हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विटिकिटी। आप लोगों को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं हूं अपर्णा और मैं आप लोगों को सिखाती हूं कि डेली लाइफ में हम कौन कौन से गलती करते हैं बोलने में, इंग्लिश में, और उसको सुधारेंगे कैसे, मैं वो भी आपको सिखाती हूं। तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं उनमें से कई लोग होंगे जो कि उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन आप में से कोई लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि हम इंग्लिश क्यों सीखें। हमारे लिए हमारा लैंग्वेज बहुत अच्छा है, चाहे वो ओडिया हो या हिंदी हो या मराठी हो या मलयाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो हमारी लैंग्वेज है। व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश? वी नो आर लैंग्वेज, वी नो आर रीजनल लैंग्वेज, सो देयर इज़ नो नीड टू लर्न इंग्लिश। बट नो, एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश, चाहे वो ओडिया हो, हिंदी हो, मलयाली हो, केरली हो, मराठी हो या कोई भी हो, इंग्लिश हमें सीखना चाहिए। So, without any further delay, let's get into my video. तो आज का वीडियो है कि हम इंग्लिश क्यों सीखें और अगर सीखें तो कैसे सीखें। So, without any further delay, let's get into my video. और अगर आप लोग में से कोई नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नाउ लेट्स गेट इन टू इट। हाई टू माई ऑल लवली पीपल। तो पहली बात, हम इंग्लिश क्यों सीखें। मैं एक ओडिया हूँ, मैं ओडिशा में रहती हूँ, लेकिन मैं खुद सोचती हूँ कि इंग्लिश सीखना चाहिए। वी ऑल नो दैट लैंग्वेज इज़ जस्ट ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और हम किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सही बात है कि हम किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए हमारा रीजनल लैंग्वेज इज़ द बेस्ट। वी कैन यूज आर रीजनल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद आर रीजनल पीपल। लेकिन अगर सपोज आप कभी अब्रॉड जाते हो या इंडिया में ही आप हो, और कोई ऐसे आदमी से आपकी मुलाकात होती है जो कि आपके रीजन से बिलोंग नहीं करता, तो आपको पता है कि इंडिया में 2 कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो कि है हिंदी और इंग्लिश। हम ये भी नहीं बोल सकते कि हिंदी जो है वो साउथ एरिया में नहीं बोला जाता, तो वहाँ पे लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं हिंदी सीखने से पहले। तो इसलिए अगर हमें इंग्लिश आए तो हम इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। मतलब मिनिमम हमें इंग्लिश आना चाहिए एटलीस्ट हमारे इंडिया में लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। दूसरी बात, इम्प्रेशन जमाने के लिए। आई नो आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा ये सुनने के बाद कि इम्प्रेशन जमाने के लिए हम इंग्लिश सीखें, ये कैसी बात हुई। ऑब्वियसली अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर कोई आप जॉब इंटरव्यू में अभी जा रहे हैं तो अगर वहाँ पे आप इंग्लिश में कुछ कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे जो आपके इंटरव्यूअर्स होंगे उनके ऊपर कुछ ना कुछ ज़्यादा इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हो और अगर दूसरा कोई इंग्लिश में बात करता है तो ये ओब्वियस सी बात है कि जो इंग्लिश में बात करता है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। ये इसलिए नहीं कि उसने इंग्लिश में बात की, ये इसलिए क्योंकि वो नए जनरेशन के साथ, न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो कोप अप कर सकता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ऑल्सो इन लैंग्वेज हम देख रहे हैं कि इंग्लिश कितना मेन रोल प्ले कर रहा है इंडिया के तरक्की में। तो जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस भी उतना बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन इंग्लिश का इम्पोर्टेंस रहता ही है। तो अगर हम कोई जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे और वहाँ पे हम अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और दूसरा कोई अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली जो इंग्लिश में बात कर रहा है उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो इसलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहिए ताकि हम जॉब इंटरव्यू में अगर जाना है हमें तो वहाँ पे हम अपना अच्छा इम्प्रेशन हम छोड़ पाएँ। नॉट ओनली इम्प्रेशन, आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। हम ये माने या ना माने कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। मैं खुद ये फील करती हूँ कि इंग्लिश सीखने के बाद
कॉन्फिडेंस थोड़ा हो या ज़्यादा हो वो बढ़ता ही है। सो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी कॉन्फिडेंस लाने के लिए और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को अप करने के लिए हमें इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखें। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए चार मुद्दे इम्पॉर्टेंट होते हैं, LSRW। L मतलब लिसनिंग स्किल्स, S मतलब स्पीकिंग स्किल्स, R मतलब रीडिंग स्किल्स, W मतलब राइटिंग स्किल्स। हम में से बहुत लोग होंगे जिनको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ऑफ इंग्लिश हमें अच्छे से आता होगा, लेकिन जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो उसमें हम चूक जाते हैं। रीडिंग, राइटिंग ये हमें स्कूल लेवल में ही सिखाया जाता है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं इंग्लिश सुन के, चाहे वो इंग्लिश मूवीज़ हो, इंग्लिश टीवी सीरीज़ हो या इंग्लिश गाने हो, हम वहाँ से सीख सकते हैं इंग्लिश का लिसनिंग स्किल्स। और स्कूल्स में भी हम ये सीख सकते हैं, जब कोई हमारा फ्रेंड इंग्लिश में कोई बुक रीड कर रहा है तो हम उसको सुन के भी इंग्लिश का लिसनिंग स्किल्स हम सीख सकते हैं। हम में से बहुत लोग हैं जो इंग्लिश के तीनों स्किल्स, जो कि है रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स, में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो फोर्थ स्किल है जो कि है स्पीकिंग स्किल्स, उसमें हम चूक जाते हैं। लेकिन ये जो स्पीकिंग स्किल है ये ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। चाहे हम कितना भी इंग्लिश में अच्छा लिख लें, अच्छे से पढ़ लें या अच्छे से समझ लें, लेकिन जब तक हम किसी के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकते विथ कॉन्फिडेंस, हमें नहीं लगता कि हम इंग्लिश अच्छे से सीख चुके हैं। तो इसलिए स्पीकिंग स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन अ लैंग्वेज। इसलिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। सेकेंडली, नेट पे ऐसे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि आपको इंग्लिश सिखाने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, आप किसी में भी लॉगिन करके आप उसमें डेली इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। तो बिना लेट किए आप उस ऐप्स में लॉगिन करके आज से ही शुरू कर दीजिए अपना प्रैक्टिस। जाहिर सी बात है कि अगर स्पीकिंग कोई लैंग्वेज की सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, किसी के साथ बातचीत करके ही आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप बस रीड करते जा रहे हो और कोई भी प्रैक्टिस नहीं है आपका तो आप वो लैंग्वेज सीख जाओगे, बोलना सीख जाओगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी इंग्लिश समझने वाले या कोई भी थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, लेकिन अगर कोई बात करने वाला हो तो उसके साथ आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, एंड इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। इंग्लिश कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, कोई भी लैंग्वेज कभी डिफिकल्ट नहीं होता। अगर हम उसे बोलना एक बार शुरू करें तो हम आराम से बोल सकते हैं। तो अगर हम आज से सीखना शुरू करें तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश भी आराम से बोलना सीख जाएंगे। जैसे कि हम हमारे रीजनल लैंग्वेज को बहुत इजीली बोल सकते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी बहुत इजीली बोल सकते हैं। और मोस्ट ऑफ ऑल हमें तो पता ही है कि लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम अपने फीलिंग्स को किसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज में शेयर कर सकते हैं ओब्वियसली, लेकिन With the changing demand of the society, we have to learn a certain language. In our country, it is English. So that is why I am making this video, and hope you all liked it. And if you liked my video, then please subscribe to it and do not forget to give a big fat thumbs up and stay tuned. And bye bye. Have a nice day and happy learning.